नमस्कार और सलाम, स्वागत है आप सबका इस नई प्लेलिस्ट में। इस प्लेलिस्ट में हम सीखेंगे अपाचे स्पार्क या स्पार्क के बारे में। मेरा नाम यूसुफ है, मैं इस चैनल का क्रिएटर और लीड इंस्ट्रक्टर हूँ। इस वीडियो में हम स्पार्क के बारे में इंट्रोडक्शन देखेंगे। शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको जानना ज़रूरी है कि स्पार्क या अपाचे स्पार्क है क्या। अपाचे स्पार्क एक प्रोसेसिंग इंजन है। सबसे पहले आपको इसको समझना है। अपाचे स्पार्क जो है कई अलग अलग फील्ड्स में इस्तेमाल होता है और बहुत वाइडली इस्तेमाल होता है। उनमें से कुछ जो है वो है डेटा इंजीनियरिंग, डेटा साइंस और मशीन लर्निंग। हमारा फोकस डेटा इंजीनियरिंग के ऊपर है। अपाचे स्पार्क जो है वो मैप रिड्यूस के लिए एक ऑल्टरनेटिव है। मतलब मैप रिड्यूस के बदले आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो। तो अगर आपने बिग डेटा की प्लेलिस्ट देखी है, खास करके पहले कुछ 6-7 वीडियो जो है मैंने वहाँ पर बिग डेटा का एवोल्यूशन बताया आपको, और बिग डेटा कैसे शुरुआत हुआ, हडूप की शुरुआत कैसे हुई, हडूप में क्या चीज़ें हैं ये बताया। तो अगर आपने वो वीडियो देखा है तो आपको मैप रिड्यूस के बारे में समझ में आएगा। आगे बढ़ते हैं और मैप रिड्यूस के चैलेंजेस जानते हैं। यहाँ पर हम टेक्निकल में नहीं जा रहे हैं, हम थ्योरी की बात कर रहे हैं हाई लेवल में। तो मैप रिड्यूस में क्या होता है, मैप रिड्यूस एक पहले सबसे पहले क्या है, हडूप इकोसिस्टम में प्रोसेसिंग सॉल्यूशन है। इसमें क्या होता है कि आप जावा में प्रोग्राम्स लिखते हो। डेवलपमेंट जो है मैप रिड्यूस में काफ़ी लेंदी था, क्योंकि जावा में अगर आप कोडिंग कर रहे हो आज के मुकाबले में जो पाइथन और स्काला में हम कोडिंग करते हैं डेटा इंजीनियरिंग में, तो जावा में जो कोडिंग होती थी उस वक्त मैप रिड्यूस में, या अभी भी कुछ प्रोजेक्ट्स में होती होगी, तो इसमें जो है जावा में डेवलपमेंट काफ़ी लेंदी है। तो इसके चलते क्या है, वो भी एक लिमिटेशन है। और दूसरा सबसे बड़ा, ठीक है चलो कोड तो लेंदी लिख लेंगे आप, लेकिन सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो था मैप रिड्यूस में वो ये था कि जो इंटरमीडिएट कंप्यूटेड रिजल्ट्स थे उसको आपको डिस्क पर लिखना पड़ता था ताकि हम अगले स्टेज में उसको रीड करें। ये सबसे ज़्यादा ड्रॉबैक था और लिमिटेशन, क्योंकि इसमें टाइम लगता था। अब मैं आपको इसको एक एग्जाम्पल दे के बताता हूँ। मान लो मुझे एक डेटा रीड करना है, उसको मुझे प्रोसेस करना है और डेस्टिनेशन में राइट करना है। अब डेटा हम रीड कर रहे हैं, मान लीजिए 3 स्टेप्स कर रहे हैं, बीच में 3 से ज़्यादा भी या कम हो सकते हैं। मान लो कुछ एग्रीगेट कर रहे हैं, कुछ सॉर्ट कर रहे हैं, कुछ फिल्टर कर रहे हैं, कुछ भी हो सकता है। तो हर एक ये जो स्टेप है, एग्रीगेट करना, सॉर्ट करना, फिल्टर करना, इसको हम ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। तो मैप रिड्यूस में कैसा था, पहले आपने डेटा रीड किया, पहला ट्रांसफॉर्मेशन किया, उसके बाद आपको डिस्क पे उसको राइट करना पड़ेगा, तभी जाके आप अगले स्टेप में उसको रीड कर सकते हो। तो अगले स्टेप जो ट्रांसफॉर्मेशन है, मान लीजिए उसको आपको सॉर्ट करना था, सॉर्ट तो आपने फर्स्ट स्टेप में किया, अभी मान लो फिल्टर करना है ऐसे मान लो, तो आपको वापस से उसको रीड करना पड़ेगा, वापस से प्रोसेस डेटा वापस से आपको डिस्क पे लिखना पड़ेगा, फिर उसको रीड करना पड़ेगा अगले स्टेज में, और फिर उसको आपको एग्रीगेट करना है या जो भी करना है, और बाद में फिर वापस से आपको डिस्क पे राइट करना पड़ेगा। तो ये जो रीड राइट करते वक्त हम, या ट्रांसफॉर्म करते वक्त जो बार बार हम राइट कर रहे हैं, रीड कर रहे हैं, इससे क्या हो रहा है, डिस्क पर हम टच कर रहे हैं या कम्युनिकेट कर रहे हैं, इससे स्पीड बहुत कम हो जाता है। तो ये बड़ा चैलेंज था। तो स्पार्क की शुरुआत कैसे हुई, एक्सपर्ट्स जो काम कर रहे थे इस हडूप इकोसिस्टम पे, उनको समझ में आया कि ये लिमिटेशन है हडूप का। तो उन्होंने क्या किया, वो एक प्रोजेक्ट की उन्होंने शुरुआत की ये चैलेंजेस को ओवरकम करने के लिए, ये जो लिमिटेशंस थे, और उस प्रोजेक्ट को उन्होंने नाम दिया स्पार्क। तो स्पार्क की जर्नी या स्पार्क का सफ़र कैसे रहा देखते हैं। जो शुरुआत में डेवलपमेंट शुरू हुआ वो लगभग साल 2009 के आसपास शुरू हुआ स्पार्क के ऊपर। स्पार्क एक गेम चेंजर था बिग डेटा कंप्यूटिंग में, और ये मैं क्यों कह रहा हूँ मैं आपको बताता हूँ। सबसे बड़ा एडवांटेज जो मैप रिड्यूस के ऊपर था वो ये था कि स्पार्क जो इंटरमीडिएट रिजल्ट्स है वो मेमोरी के अंदर ही स्टोर कर रहा था, और हमें पता है कि मेमोरी के अंदर कुछ भी प्रोसेस होता है तो बड़ा स्पीड से होता है, बड़े कमाल का आपको परफॉर्मेंस मिलता है। इसके चलते क्या हुआ, क्योंकि हम डिस्क को टच नहीं कर रहे, पूरा का प्रोसेसिंग मेमोरी में हो रहा है, बस हम एक डेटा रीड करते हैं, पूरे जो कंप्यूटेशंस या ट्रांसफॉर्मेशंस है बीच में हम पूरे के पूरे मेमोरी में करते हैं, और बस आखिरी में उसको डिस्क पे लिखते हैं। तो इससे क्या हो रहा कि शुरुआती में उन्होंने जो टेस्ट रिजल्ट्स देखे उसमें कमाल का उनको परफॉर्मेंस गेन दिखा, जिसमें कम से कम 10 से 100 गुना फास्टर एग्जीक्यूशन हो रहा था मैप रिड्यूस के मुकाबले में। तो इसीलिए ये गेम चेंजर था बिग डेटा कंप्यूटिंग में। पहला वर्जन तो था अपाचे स्पार्क का, लगभग 2014 साल में कहीं रिलीज हुआ।
अब जब हम अपाचे स्पार्क की बात कर रहे हैं तो डेटा ब्रिक्स के बारे में भी बात करना ज़रूरी है। जो अपाचे स्पार्क के क्रिएटर्स या डेवलपर्स थे, बाद में जाकर उन्होंने डेटा ब्रिक्स नाम की एक कंपनी बनाई लगभग 2013 में, और उसी नाम का एक प्रोडक्ट भी लॉन्च किया जिसको हम डेटा ब्रिक्स के नाम से आज भी जानते हैं, और ये बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है आज डेटा इंजीनियरिंग में। तो डेटा ब्रिक्स क्या है? एक प्लेटफॉर्म है, वेब बेस्ड क्लाउड प्लेटफॉर्म है, जो आपको ऑफर करता है डेटा इंजीनियरिंग, मशीन लर्निंग और लेकहाउस सॉल्यूशंस। डेटा ब्रिक्स में क्या है, आप या तो फ्री इस्तेमाल कर सकते हैं या पेड ले सकते हैं। जहाँ तक फ्री यूसेज की बात है, अगर आप गूगल करेंगे डेटा ब्रिक्स कम्युनिटी एडिशन तो आपको मिल जाएगा। डेटा ब्रिक्स की पहले से ही हमारे पास हमारे चैनल में एक प्लेलिस्ट है, उसमें कई सारे वीडियोस मैंने बनाए हैं तो वो आप देख सकते हैं। हाँ, बस अभी के इस वक्त जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो सिर्फ इंग्लिश में प्लेलिस्ट है डेटा ब्रिक्स की, लेकिन बहुत जल्दी मैं हिंदी में भी बनाऊँगा। तो बस वही एक प्लेलिस्ट है जो बची है हिंदी में, बाकी सब तो हिंदी में है। तो ये जो कम्युनिटी एडिशन है, आप एक वहाँ पर सिंगल नोड क्लस्टर देता है वो आपको फ्री में, कोई लिमिट नहीं है कितने दिन का, आप उसको इस्तेमाल करते रह सकते हो लाइफ टाइम के लिए। और पेड की जहाँ तक बात है, ये जो डेटा ब्रिक्स क्या है, एक सर्विस है। तो ये तीनों जो लीडिंग क्लाउड प्लेटफॉर्म्स है, एजोर, AWS और GCP, इन तीनों प्लेटफॉर्म्स पर अवेलेबल है। तो इस वीडियो में सबसे अहम चीज़ जो आपको याद रखना है वो ये है कि स्पार्क या अपाचे स्पार्क जो है वो एक प्रोसेसिंग सॉल्यूशन है, ये स्टोर करने का काम नहीं करता, ये सिर्फ पूरी तरीके से प्योरली प्रोसेसिंग इंजन है जो आपको कमाल का स्पीड देता है। और ये मैप रिड्यूस का ऑल्टरनेटिव है। मैप रिड्यूस भी प्रोसेसिंग सॉल्यूशन था हडूप इकोसिस्टम में, लेकिन उसमें लिमिटेशंस थे जो मैंने आपको बताए हैं। तो अपाचे स्पार्क या स्पार्क जानिए कि खास करके बिगनर के लिए कि आपको ध्यान में रखना है ये प्रोसेसिंग सॉल्यूशन है। तो अगर आपको हडूप हाई लेवल पे समझ में आ रहा है, मैंने बिग डेटा के प्लेलिस्ट में शुरुआत में बताया कि हडूप में दो कंपोनेंट्स हैं मेनली, HDFS डेटा स्टोरेज के लिए और मैप रिड्यूस प्रोसेसिंग के लिए। स्पार्क जो है ये सिर्फ एक टेक्नोलॉजी है, ये हडूप का ऑल्टरनेटिव नहीं है। हडूप पूरा एक इकोसिस्टम है, मतलब एक बड़ा अम्ब्रेला, उसके अंदर कई सारे टूल्स हैं। अपाचे स्पार्क जो है वो मैप रिड्यूस का एनहांसमेंट या उसके लिमिटेशंस को ओवरकम करने के लिए बनाया गया था। तो इसके चलते क्या है, अपाचे स्पार्क और हडूप का कंपैरिजन आप नहीं कर सकते। हडूप को एक वो रिप्लेस नहीं करता है, वो मैप रिड्यूस का ऑल्टरनेटिव है। तो मैप रिड्यूस एक छोटा सा चीज़ है हडूप में, तो ये जानना आपको ज़रूरी है। तो इस वीडियो में इतना ही, देखने के लिए शुक्रिया, मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।